नमस्कार, मैं रजनी राय। पिछली वीडियो में हमने संस्कृत में धातु को देखा था। आज की वीडियो में हम धातु से कुछ आगे कि धातु का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, तो हम देखते हैं कि धातु का प्रयोग लकार जैसा होता है उसी में हम यूज करते हैं। तो लकार को हम देखेंगे। लकार जो कि समय को दर्शाता है, लकार का अर्थ होता समय से है। जैसे हिंदी भाषा में हम इसको काल कहते हैं और इंग्लिश भाषा में हम इसी को टेंस कहते हैं। ठीक है, तो काल से आप लोग समझ जाएंगे समय। उसी प्रकार से हिंदी में जिस तरीके से हम इसको काल से दर्शाते हैं, इंग्लिश में हम इसको टेंस से दर्शाते हैं, उसी प्रकार संस्कृत भाषा में हम इसे लकार कहते हैं। ठीक है, अर्थात लकार का मतलब होता है समय। जैसे हिंदी में हम देखते हैं कि तीन काल होते हैं, जिसमें हमारा होता है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी हमारे टेंस होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसी प्रकार से संस्कृत भाषा में 10 लकारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्रिया के काल या प्रयोजन को सूचित करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसी को हम लकार कहते हैं। क्रिया को संस्कृत भाषा में धातु कहा जाता है और हिंदी में हम उसे क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में उसे वर्ब कहते हैं। और इन क्रियाओं को विभिन्न कालों में बताने के लिए हम लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि लकार संस्कृत में 10 प्रकार के हैं, लेकिन हम 5 ही लकारों का प्रयोग आज आप लोगों को करके बताएंगे। ठीक है, लकार देखते हैं हम। पहला है हमारा लट लकार। संस्कृत में ये हमारा लट लकार है, जबकि लट लकार का अर्थ होता है हमारा वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारा चल रहा है। तो आप जानते हैं कि इसकी पहचान होती है जैसे ता है, ती है, ते है। इसी प्रकार दूसरा लकार आ जाता है हमारा लोप लकार। जैसे किसी से हमें आज्ञा लेनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं, आज्ञा लेनी। इसके बाद तीसरा हमारा आ जाता है विधि लिंग लकार। इसका मतलब होता है चाहिए। जब हम किसी वाक्य का यूज चाहिए के अर्थ में करते हैं तो इसकी पहचान होती है चाहिए से या चाहना। ठीक है, तो विधि लिंग लकार का हम यूज करते हैं। इसके बाद हमारा चौथा जो काल आता है वो कहलाता है हमारा लंग लकार। इसका अर्थ जो होता है भूतकाल जो होता है, जो बीत गया वो भूतकाल कहलाता है। इसकी पहचान होती है था, थी, थे, या, ये हमारी पहचान होती है, इसको हम पहचान सकते हैं। इसके बाद हमारा पांचवा आ जाता है, वो कहलाता है हमारा लिट लकार। लिट लकार का अर्थ होता है हमारा भविष्यकाल। भविष्यकाल की पहचान जैसे गा, घी, गे आदि शब्दों से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो लकार होते हैं इनमें धातु का प्रयोग किया जाता है और जो हमारी धातु होती है वह हमारी लकार के हिसाब से ही चलती है। सही संस्कृत भाषा में लकार का सही यूज हम तब कर सकते हैं जब हमें पुरुष, ठीक है, तीन प्रकार के पुरुष बताए गए हैं, जिसमें हमारा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष
जो दूसरा व्यक्ति होता है उसको हम हमेशा प्रथम रखते हैं, तो प्रथम पुरुष में हमारा आ जाएगा जैसे सा, शा, ठीक है। तो ये जो हमारा शा होता है ये पुल्लिंग के लिए होता है, ये जो सा होता है हमारा ये स्त्रीलिंग के लिए होता है। मध्यम पुरुष, मध्यम मतलब बीच में, तो जो हमारे आसपास के जो बीच के जो लोग होते हैं जिनसे हम ज्यादा घुलते मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं त्वम, यानी तुम। तो हम त्वम का यूज उसी व्यक्ति को कर सकते हैं जो हम उम्र हो या हमारा बहुत ही क्लोज हो, उसको हम त्वम या तुम कहकर करते हैं। लेकिन वह, सा का मतलब होता है हमारा वह, तो वह कौन होता है, हमेशा जो तीसरा व्यक्ति होता है वही वह होता है, ठीक है। वो जो हमारा अपना होता है उसको हम त्वम से बताते हैं, और जो उत्तम होता है तो उत्तम कौन होता है, हमेशा किसी भी कंडीशन में उत्तम हम खुद होते हैं, तो उत्तम पुरुष का मतलब होता है अहम, और अहम का मतलब होता है मैं, ठीक है। तो ये हमारे पुरुष हैं, मतलब इसमें संस्कृत भाषा में तीन प्रकार से पुरुष चलते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा में लिंग का यूज करना भी बहुत जरूरी होता है। तो तीन प्रकार के हमारे लिंग होते हैं जिसमें एकवचन, द्विवचन और बहुवचन इंपॉर्टेंट है। एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो इस तरह ऊपर हमारे एकवचन, द्विवचन और बहुवचन रहते हैं, जबकि यहाँ इस तरफ हमारे पुरुष, प्रथम पुरुष, फिर हमारा मध्यम पुरुष, फिर हमारा उत्तम पुरुष, इस तरीके से। अब प्रथम पुरुष में एकवचन हमारा क्या है, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं वह है, एकवचन है, तो क्या है हमारा सा, ठीक है। इसी प्रकार से अब इसको हम लिंग में भी देख सकते हैं, तो हमारा सा ये क्या है, पुल्लिंग में है, ठीक है। तो जो हमारा प्रथम पुरुष का